जोधपुर का फेमस मिर्ची वड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ फ्रेंड्स। बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में, लेकिन बहुत लोगों की शिकायत होती है कि घर पर ये परफेक्ट नहीं बन पाता है, या तो फट जाता है या तेल पी लेता है। तो बहुत सारे सीक्रेट टिप्स बताएं इस वीडियो में जिससे कि ये रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी, और वो भी बिना इनो बिना सोडा के। तो आप घर पर परफेक्ट इसको कैसे बना सकते हैं, बहुत सारे टिप्स शेयर किया है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले एक स्पेशल मसाला बना लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए पैन में 2 चम्मच धनिया डाल देना है और 1 चम्मच जीरा डाल देना है। धीमी आंच पे 2-3 मिनट इसको अच्छे से भून लेना है। थोड़ी ही देर में मसालों का कलर चेंज होने लगेगा, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो अब स्विच को ऑफ कर देना है। देख रहे हैं ना, बहुत अच्छे से भुन गया है। ऑफ करने के बाद ही इसमें 1 चम्मच सौंफ डालना है और हल्का सा हिला देना है पैन को। पैन काफ़ी गर्म है तो गर्म पैन में ही ये भुन जाएगा। अब इन मसालों को कूट देना है। अगर आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास खलबत्ता हो तो उसमें डाल करके इसको कूट लीजिए, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है उससे। यहाँ पर कूटने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है क्योंकि मसाले भुने हुए हैं, तो फटाफट 2-3 मिनट के अंदर अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। अब इसमें 1/2 चम्मच हींग डाल देना है और 1 चम्मच गरम मसाला डाल देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने सैट्रिक एसिड लिया है, 1/4 छोटी चम्मच इसको भी डाल देना है। अगर ये नहीं हो तो बाद में आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। तो सब चीज़ों को डाल करके एक बार फिर से अच्छे से कूट लेना है ताकि एक बराबर मिक्स हो जाए ये, और ये बहुत ही स्वादिष्ट मसाला बनके रेडी हो जाता है। और ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट मसाला बनके रेडी हो गया है। इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के आप 2-3 महीने स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है ये। अब यहाँ पे 4-5 आलू ले लिया है मैंने मीडियम साइज़ का, इसके छोटे टुकड़े कर देने हैं। ये उबला हुआ आलू है, पर ध्यान रखिएगा इसको ग्रेट नहीं करना है, बारीक मसलना नहीं है, बस मोटे मोटे से ऐसे टुकड़े कर देने हैं। अब एक पैन ले लेना है, 2-3 चम्मच इसमें तेल डाल देना है। तेल जब थोड़ा गर्म हो जाए तो 1 हरी मिर्ची काट के डाल देना है और 1 इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट करके या क्रश करके डाल देना है। मिक्स कर लेना है अच्छे से। जब ये थोड़ा सा भुन जाए तब इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देना है और 1 बड़ी चम्मच इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। ये सिर्फ कलर के लिए होता है, तीखा नहीं होता है। तो अच्छे से इसको भी 1 मिनट धीमी आँच पर भून लेना है। अब जो मसाला हमने भून करके तैयार करके रखा था, 2 बड़ी चम्मच मसाला इसमें डाल देना है। बाकी मसाले को आप एयरटाइट कंटेनर में भर के स्टोर कर सकते हैं। तो मसाला डालने के बाद अच्छे से इसको मिला लेना है और धीमी आंच पे 1 मिनट बस भून लेना है इसको। इसके बाद जो उबले हुए आलू हैं जो टुकड़े करके रखे थे इसमें डाल देना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर फ्लेम को लो से मीडियम के बीच में ही रखना है, बहुत तेज नहीं रखना है, और इसको उसी पलटे से दबाते हुए आलू को अच्छे से मैश कर लेना है। स्वाद अनुसार नमक भी डाल देना है इसमें। यकीन मानिए फ्रेंड्स, 7 से 8 मिनट तो लगता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, पर आलू का जो मसाला तैयार होगा बहुत ही चिकना और बहुत टेस्टी तैयार होगा। जो आप हलवाई के यहाँ खाते हैं जो मिर्ची के पकौड़े, बिल्कुल वही स्वाद आएगा। तो पूरे पेशेंस के साथ लगभग 7 से 8 मिनट लगेंगे और बिल्कुल इसी तरह से एकदम चिकना भून लेना है। अब इसमें कटी हुई एकदम ताजी ताजी धनिया की पत्ती को डाल देना और अच्छे से मिला लेना है। स्विच को ऑफ कर देना है। अब ये पूरी तरह से तैयार हो गया है, प्लेट में निकाल करके इसको ठंडा कर लेना है। बहुत ही शानदार स्वादिष्ट ये स्टफिंग बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मोटी वाली मिर्च ले लेना है, धो करके इसको पोंछ लेना है पहले। ये मिर्ची बहुत तीखी नहीं होती है, ज़्यादातर अचार के लिए या मिर्ची के पकौड़े के लिए ही यूज़ किया जाता है इसका। बीचों बीच इसमें कट लगा देना है और इसके अंदर के बीजों को अगर आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकालेंगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर आप चाहें तो बीज को अंदर से निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह से सारे बीजों को निकाल देना है। अब मिर्ची के अंदर स्टफिंग को भर देना है। तो यहाँ पर जो आलू का मसाला वो ठंडा हो गया है, तो ढेर सारा मसाला उठाना है और मिर्ची के अंदर भर देना है, एकदम दबा दबा के अच्छे से भर देना है। भरते समय कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्टफ़ कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, तो सारी मिर्ची को भर करके तैयार कर लेना है। अब फटाफट बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। तो 1 कटोरी बेसन ले लिया है, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल देना है। थोड़ा सा अजवाइन को भी डाल देना है हाथ से मसल करके। तो अजवाइन डालने के बाद अब पानी ले लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसका एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेना है।
जी हाँ फ्रेंड्स, इसका जो घोल होता है वो थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। नॉर्मल जो आप पकौड़े बनाते हैं उसका जो बेसन का बैटर तैयार करते हैं उससे ये थिक होना चाहिए। तो यहाँ देख ही रहे होंगे फ्रेंड्स कि एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर दिया, थोड़ा गाढ़ा है ये। अब इसमें इनो सोडा वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 चम्मच एकदम गर्मा गर्म तेल डाल दीजिए, डाल करके एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है और बेसन का बैटर गाढ़ा ही होना चाहिए, फिर से बता रही हूँ आपको। अब मिर्ची लेना है, ये भरवा वाली मिर्ची ले लेनी है और इसमें अच्छे से इसको डिप कर देना है ताकि बेसन एकदम अच्छे से कोट हो जाए इसके ऊपर में। तो यहाँ देख ही रहे होंगे कि बेसन एकदम अच्छे से कोट हो गया है। अब गर्मा गर्म तेल में इसको डाल देना है। शुरू में तेल का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, इसके बाद इसको मीडियम कर देना है। मीडियम फ्लेम पे ही इसको सेकना है कि अंदर से भी एकदम अच्छे से मिर्ची पक जाए। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, इसके बाद अच्छे से मीडियम फ्लेम पे पलट पलट के सेक लेना है और उसके बाद मिर्ची के पकौड़े आपके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, ना तो फटेंगे, देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी नहीं फटा हुआ है और बहुत अच्छा कलर भी आ गया, अच्छे से सिक गया है। और ये लीजिए दोस्तों, मिर्ची के पकौड़े बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं, एकदम गर्मा गर्म इसको सर्व किया जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये। टोमेटो केचप या हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं आप इसको। अब इसको कट करके भी आपको दिखा रही हूँ कि इसके अंदर का क्या टेक्सचर है। तो यहाँ खुद ही देख लीजिए फ्रेंड्स, अंदर से भी परफेक्ट पका हुआ है, तेल नहीं पिया है, श्रिंक नहीं हुआ है, बिना इनो बिना सोडा वाली रेसिपी है। तो इसको बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, रियली एकदम परफेक्ट रेसिपी है। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।